द टीचर सेड ये आपकी हो गई इंडिपेंडेंट क्लोज, किसमें है? सेड, पास्ट में है। अब ये वाली, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अभी मैंने बोला था कि अगर आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज पास्ट में होती है तो डिपेंडेंट क्लोज या सब ऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होने चाहिए, बट हर चीज का एक्सेप्शन होता है। तो इसमें क्या है, अगर मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो प्रेजेंट में ही रहेगा, इट डजंट इफेक्ट बाय द इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको हम नोट करके लिख लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमने नरेशन में भी पढ़ा है कि जब डाइट इंडाइट होता है उसमें अगर आपका ये वाला क्लोज जो होता है ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कोई प्रोवर्ब होता है, तो वो चेंज नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ पे। इस कंडीशनल का, ये कंडीशन के रूल फॉलो नहीं करता है, क्या बोल सकते हैं, इस पर इंडिपेंडेंट क्लोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं इसका, इफ वाटर विच इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स या इट विल बॉइल। देखिए, इफ वाटर रिच इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, रिचिंग है ऐसे ईस लगा है, मेन वर्ब में एक ही वर्ब आई है, दैट मीन्स मेन वर्ब है, मेन वर्ब में ऐसा ये लगा है तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। आगे मैंने बताया था जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है, आपकी कंडीशनल क्लोज जब प्रेजेंट टेंस में होती है तो आगे वाले टेंस में हम विल, शैल, कैन, मतलब मोडल्स यूज करते हैं, मोडल्स की प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। बट यहाँ पर रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि जब वाटर 100 डिग्री पे पहुंच जाता है वो तो बॉइल होता ही है ना, दैट्स ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक सही बात है, सच बात है, तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ पर आपका बॉइल्स आएगा, बिल बॉइल नहीं आएगा। तो जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो आपके इंडिपेंडेंट क्लोज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, इफ ही हैड वॉन द लॉटरी आई वुड हैव बाय अ हाउस। देखिए यहाँ पर दो वर्ब आई है, वॉन और हैड, तो एक इनमें हेल्पिंग वर्ब होगी, एक आपकी मेन वर्ब होगी। हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो फर्स्ट पे आती है, सेकेंड उसके बाद जो आती है आपकी मेन वर्ब आती है। अब देखिए मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब में आप में हैड हुआ है, मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैड ये कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मेरी कंडीशनल क्लोज पास्ट परफेक्ट में होती है तो रेस्ट जो सेंटेंस होता है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की वुड हैव या शुड हैव, मतलब मोडल्स की पास्ट फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये हमारा रूल नंबर थ्री बोलता है। अब देखिए आई वुड हैव ये तो सही है, बट बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉट, बी ओ यू जी एच एन, द सेंटेंस करेक्ट। नाउ सेकेंड वन, इफ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम वी वुड लूज आर लाइव्स। अब देखिए हैड कम, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पास्ट में है तो आपका अगेन पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट वाले में मोडल्स की पास्ट फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, वुड तो यूज हुआ है बट आगे हम लगाएंगे हैव। अब देखिए लूज, लूज पहले भी वहां पे गलत था, लूज यहाँ पे लूज का मत, यहाँ पे लूज LOSE वाला आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या?
उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लोस्ट, इसका मतलब तो ढीला होता है, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, वी वुड हैव लॉस्ट आर लाइफ। अब सेंटेंस हमारा सही हो गया। थर्ड देखते हैं, अनलेस यू वर्क रेगुलर यू कैन नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए, अनलेस दैट मीन्स ये कंडीशन क्लॉज है, यू वर्क रेगुलर, एक ही वर्ब यूज हुई है, वो मेन वर्ब होगी हमारी। अब उसमें एस या एस कुछ भी नहीं लगा है, सिंपल, तो इसका मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट में है। तो आगे वाली क्लॉज में मोडल्स यूज होने चाहिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन मोडल्स है, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ आई केम टू दिल्ली आई विल मेट यू, केम सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे वाले में पास्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए थी मोडल्स की, तो विल क्या हो जाएगा, वुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई विल नॉट डू दैट वर्क, दैट आ गया तो आपको कॉमा नहीं यूज होगा। टोल्ड आया है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो नेक्स्ट भाई अगेन इसमें वुड यूज होना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको गिवन है। अब इसका मैं आपको एक चार्ट बनवा देती हूँ जिसे लर्न करने में इजी। चार्ट देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। देखिए यहाँ पे अगर आपकी कंडीशनल क्लॉज, ये आपकी कंडीशनल क्लॉज हो गई और यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। आपकी कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे होगी, वो उसमें एस या ई एस लगा होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डू होगा, डज होगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट वाला होगा उसमें मोडल्स यूज होंगे आपके, उनकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, विल, शैल, मे, मस्ट, कैन, जितने भी मोडल्स हैं, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। ये आपका रूल नंबर वन कहता है। अब अगर कंडीशन क्लॉज पास्ट में होती है तो पास्ट की पहचान कैसे होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऐसा होता है। अब मैं इनको मोडल्स लिखूंगी तो हम मोडल्स की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड रूल हमारा बोलता है ये पास्ट परफेक्ट में हो तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट पहचानेंगे कैसे, हेड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो मोडल्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म यूज होगी प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इस चार्ट से आपको लर्न करने में इजी रहेगा। हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। इससे अगले वाले सेशन में जितना हमने हमने टेंस कंप्लीट कर लिया है इसके हम एग्जाम्पल करेंगे, जितने एग्जाम में आए हुए हैं हम उनकी करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।